हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, डाबर ने आज अपने क्वार्टर वन FY23 के नंबर रिलीज़ कर दिए हैं और जिस तरीके से यहां पे स्टॉक का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली इससे ये कहा जा सकता है कि मार्केट जिस तरीके से नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, नंबर हमें इन द लाइन देखने को मिले हैं और यहां पे आज के दिन लगभग 0.72% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। कंपनी के अगर यहाँ पे रिजल्ट समरी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 8.1% से ग्रो हुए हैं। इस क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू निकल के आया है वो 2,822 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू में ग्रोथ है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं और वहाँ पर रीज़न क्लियर कट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो मार्जिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 21% के थे वो अब डिक्लाइन होकर के 19.3% हो गए हैं और यहाँ पर 1.5% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं उसका जो मेन रीज़न है नो डाउट मटेरियल इन्फ्लेशन। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें यहाँ पे इस डाबर की परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल 437 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था जो इस साल बढ़ करके 440 करोड़ रुपए रहा है, यानी फ्लैट सा परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें पैट ग्रोथ में देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डोमेस्टिक में जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन रहा वर्टिकल्स का, तो उनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेल्थ केयर बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन 35% पिछले साल रेवेन्यू में रहा है तो इस साल जो है वो 25.7% का रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ केयर का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ऑल्दो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है बट अगर हम यहाँ पे बात करें होम एंड पर्सनल केयर की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन न सिर्फ यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है, 45% से बढ़ करके 47% हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू का जो वैल्यू है उस वर्टिकल की वो भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। फूड एंड बीवरेजेस की बात करें तो ये भी यहाँ पे इसका भी रेवेन्यू बढ़ा है और कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो 19% का लगभग कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ करके 26% के आसपास हो गया है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे काफ़ी एक पॉजिटिव नोट देखने को मिला है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ऑलमोस्ट 4% के आसपास वॉल्यूम में ग्रोथ, तो वो यहाँ पे हमें लगभग 5% के आसपास इनके डोमेस्टिक वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली है, विच इज़ अनदर पॉजिटिव पॉइंट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे हेल्थ केयर सेगमेंट में तो च्यवनप्राश की बात करें, हनी कैटेगरी की बात करें तो दोनों में ही कंपनी का यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ा है। इसके अलावा होम एंड पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो हेयर ऑयल हो गया, आपका शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो यहाँ पे भी कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को इनक्रीज किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट फूड एंड बेवरेजेस, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका जो रियल का फूड फ्रूट जूस जो सेगमेंट है उसमें भी हमें मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि 98% इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर बढ़ा है, तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे नोट होता है डाबर के लिए। ऑल एंड ऑल अगर बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, मार्केट शेयर कंपनी का यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो रेवेन्यू में ग्रोथ तो डेफिनेटली है, नेक्स्ट क्वार्टर में भी नेक्स्ट ईयर में भी ये ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी और प्रॉफिट में जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी में जो अभी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है तो जैसे ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली ये सेगमेंट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और कंपनी के EPS भी बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। FMCG सेगमेंट का ये काफ़ी डिफेंसिव स्टॉक है, डेफिनेटली आप इसको SIP करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फर्दर अगर इस स्टॉक के हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 550 में एक सपोर्ट है, उसके बाद 525 और 500 पर इस स्टॉक का सपोर्ट देखा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो यहाँ पे इस कंपनी ने नोटिफिकेशन को जो है तो रिलीज़ किया है, एक्सचेंज को बता दिया है यहाँ पर कि ये बोनस जो है इशू को उसको अप्रूवल दे दिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर पर आपको 2 शेयर के बोनस दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपके पास अगर एक शेयर है तो वो बोनस मिलने के बाद आपके पास टोटल शेयर हो जाएंगे 3। बाकी बोनस में और स्प्लिट में क्या डिफरेंस होता है ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर वो वीडियो अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि बोनस कैसे कंपनी इशू करती है और उसके बाद आपके शेयर प्राइस के वहाँ पर क्या वैल्यूज़ बाद में आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे, सारा सब कुछ वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। अब बात करते हैं स्टॉक की, तो यहाँ पर स्टॉक जो है आज के दिन
हमें 2.64% की रैली करता हुआ देखने को मिला है। और पिछले अगर एक साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो स्टॉक फिलहाल नीचे से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भाग चुका है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये स्टॉक लगभग 200 के नीचे जा चुका था। अभी पिछले करेक्शन की बात करें, इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में भी ये 220 के आसपास पर जो है तो हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था, वहाँ से स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैली कर चुका है। तो इट इज़ क्वाइट रिस्की कि आप यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई पर पोजीशन बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। स्टॉक में अगर पोजीशन नहीं है देन यू कैन स्किप, और अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है देन डेफिनेटली होल्ड एंड कंटिन्यू। बात करते हैं अगले स्टॉक की, बर्जर पेंट। यहाँ पे बहुत शानदार कंपनी ने अपने नंबर को रिलीज़ किया है, और जिस तरीके के नंबर हमें एशियन पेंट्स के देखने को मिले थे तो उससे एक क्लियर कट वहाँ पे एक आइडिया लग गया था कि जिस तरीके से प्राइस हाइक हमें दोनों ही कंपनीज के द्वारा बैक टू बैक देखने को मिली थी, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन में यही चीज़ आपको कई बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे कंपनी के पास मोट है, जहाँ पे कंपनी के पास स्ट्रांग बिजनेस है, तो देखिए इन्फ्लेशन जो है वहाँ बहुत ज़्यादा देर तक उस कंपनी पर प्रेशर नहीं बना सकता है। वो अपने प्राइस हाइक करेंगे, और देखिए प्राइस जब हाइक करेंगे आपको वो प्रोडक्ट यूज़ करने ही करने हैं। अब जैसे बात करते हैं हम पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, कितना भी उसका प्राइस बढ़ जाए कि आप ट्रेवल करना बंद कर देंगे, आदमी अप डाउन तो करेगा ही, घर से ऑफिस जाएगा वो, अगर काफ़ी ज़्यादा दूर है तो वो तो ट्रेवल करेगा ही। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, चलिए वहाँ की बात अलग है, आपने मेट्रो में ट्रेवल कर लिया, बट अगर जैसे सिटी टू सिटी आपको जाना है तो वहाँ पे भी अगर एयरलाइन फेयर्स बढ़ाएंगी, क्योंकि अगर फ्यूल के रेट बढ़ गए हैं तो वो आपको देखिए ट्रेवल करना ही है, और वो कितना भी फेयर बढ़ाएंगे आपको वो पैसे देने ही देने हैं। सेम सिनारियो यहाँ पे है, दोनों ही कंपनीज़ के पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिजनेस है। बात करें बर्जर पेंट की तो 18% का यहाँ पे मार्केट शेयर बर्जर पेंट के पास है, ऑलमोस्ट 41-45% के आसपास मार्केट शेयर जो है तो एशियन पेंट्स के पास है, और दोनों के बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। आपको किसी भी पेंट की अगर शॉप पे जाएंगे ये दोनों कंपनी के प्रोडक्ट आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 FY23 है, ये है Q1 FY22, तो और ये रहा आपका प्रीवियस क्वार्टर। तो यहाँ पे कंपैरिजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर किया जाएगा। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू की बात करें टोटल, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो 2772 करोड़ रुपए है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो वो निकल के आया था, माफ़ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में तो वो 2206 करोड़ रुपए निकल के आया था। वहाँ से आप देखेंगे रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो ये 1851 करोड़ रुपए पिछले साल के रेवेन्यू थे, तो वहाँ से भी रेवेन्यू काफ़ी हद तक यहाँ पे अच्छा इंप्रूव हुआ है। अगर आप यहाँ पे बात करें ऑलमोस्ट 53% की यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी YOY बेसिस पर। कंपनी के अगर एक्सपेंस देखेंगे आप तो वो भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर यहाँ पे डिटेल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सपेंस बढ़ा है आप देख सकते हैं डबल हो गए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो मटेरियल कंज्यूम्ड का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे आपको डबल होता हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर ये एक्सपेंस को मैं इस रेवेन्यू में से माइनस कर दूँ तो यहाँ पे हमें निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एबिट्टा। कंपनी के एबिट्टा अगर आप देखेंगे तो YOY बेसिस पर लगभग 69% यहाँ पे ग्रो होते हुए मिलेंगे। तो वहीं पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ये नंबर भी हमें काफ़ी हद तक यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अब अगर टैक्स वगैरह यहाँ पे और एबिट्टा में से हम हटा दें तो कंपनी का निकल के आता है नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 140 करोड़ रुपए से बढ़ करके 253 करोड़ रुपए हो गए हैं, यानी YOY बेसिस पर नेट प्रॉफिट में 80% की ग्रोथ है। तो वहीं पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 220 करोड़ रुपए थे और वहाँ से बढ़ करके 253 करोड़ रुपए हो गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी के नंबर बहुत शानदार हैं। अब यहाँ पे अगर हम EPS की बात करें, 1.45 रुपये का EPS बढ़ करके 2.61 रुपये हो चुका है। पिछले क्वार्टर में यही EPS 2.27 रुपये थे। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, तो ये एक बहुत बेहतरीन लो बीटा स्टॉक है, एक डिफेंसिव स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने इसको ले रखा है। और अगर देखेंगे आप पिछले कुछ टाइम से, इनफैक्ट यहाँ 2021 के बाद से अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिए हैं। रीज़न कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड के पहले जो स्टॉक का प्राइस लगभग 350 के आसपास था, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे
ये काफ़ी ज़्यादा रनअप दे चुका है और मोर देन डबल यहाँ पे ये स्टॉक हमें होता हुआ देखने को मिला है विद इन अ ईयर। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे इसने जो है तो अभी रिटर्न नहीं दिए हैं, बट अगर करेंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप इस स्टॉक को ऐड करते हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। एक मल्टीबैगर था और आगे आने वाले टाइम में भी मैं मान के इतना तो चल सकता हूँ कि अगले 5 से 10 साल में भी इनका जो बिजनेस है वो इसी तरीके से आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे डाउनसाइड की तो 675 का स्टॉक है, यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं दिखता है। 600 जाएगा, उसके नीचे जो इसका एक बॉटम बना था 550 का, तो ये एक यहाँ पे इतना इसमें आपको डाउनसाइड देखने 100 रुपीज़ का डाउनसाइड आपको इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अपसाइड की बात करें तो एक ह्यूज अपसाइड है यहाँ पे, मोर देन 850 भी आपको ये स्टॉक आने वाले टाइम में 3 से 5 सालों में ईजिली देखने को मिल सकता है। तो करेंट लेवल पर डेफिनेटली आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं और अपनी SIP को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अपनी SIP भी इस स्टॉक में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।